भैया जो टेढ़ी चीज होती है ना वो टेढ़े ही होते हैं, और ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। लेकिन जब आपने सात फेरे लिए हो किसी टेढ़े इंसान के साथ, तो आप कितना बच लेंगे। अब हमारी अनुपमा का हाल ही देख लीजिए, इन्होंने वनराज को तलाक का नोटिस क्या भेजा, देखिए कैसे इन्होंने तलाक के नोटिस का जवाब दिया। मतलब अपनी पत्नी को मेंटली अनस्टेबल बता दिया। इसे टेक्निकली देखा जाए तो गलत वो भी नहीं है। अब आप वनराज जैसे इंसान के साथ रहेंगी तो भैया मानसिक संतुलन तो बिगड़ा रहेगा ना। आपने घर छोड़ दिया, मैंने डर छोड़ दिया, पर आपकी इस हरकत ने प्यार हमदर्दी अपनापन की सारी गिरे खोल दी है। आज उनकी आंखों के सामने उन्होंने देख लिया कि उनका बेटा माफी तो क्या नफरत के भी लायक नहीं है। अब मैं वो अनुपमा नहीं हूँ जो आपके गुस्से के सामने डर से थर थर कांपती थी। इस बार कहानी अलग है, इस बार अनुपमा भी अलग है। अनुपमा ने दे दिया है वनराज को करारा जवाब। जिसे 25 साल तक भगवान माना, अगर वो ढंग का इंसान भी ना निकले तो दौरे नहीं पड़ेंगे तो और क्या होगा। इस कागज पर आपके दिए हुए तोहफे हैं वनराज शाह। अब भाई हमें ये समझ नहीं आता कि जब वनराज को पता चल ही गया है वनराज की हर बात का जवाब, अब अनुपमा उसी अंदाज में देगी जिस अंदाज में वनराज अनुपमा की इंसल्ट किया करता था। और थैंक यू मेरी मुश्किल कम करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू का जवाब देने के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं वो अनुपमा नहीं हूँ जो आपके गुस्से के सामने डर से थर थर कांपती थी। इस बार कहानी अलग है, क्योंकि इस बार अनुपमा भी अलग है। अब वो एक इंडिपेंडेंट वुमन जैसी होती है, उस तरह की बन चुकी है वो, तो शौक तो नहीं है डेफिनेटली, बट अभी भी वो फितरत से वैसा ही है वनराज, क्योंकि अभी भी उसको ये लगता है कि वो जाएगा तो अनुपमा डरेगी और उसको वो इंटिमिडेट कर लेगा। तो उस पूरे माइंडसेट के चलते ही वो यहाँ पे आज आया है, और उसकी ईगो बहुत बुरी तरह से हर्ट हुई है क्योंकि अनुपमा ने उसे डिवोर्स नोटिस भेज दिया, तो उसको बहुत उसकी ईगो हर्ट हुई है। ईगो हर्ट तो थी ही, साथ में राखी जी ने उसको काफ़ी इंस्टिगेट भी कर दिया, तो वो बहुत बुरी तरह से भर के आया यहाँ पे। तो भाई वनराज हर बार अपनी इंसल्ट करवाने अनुपमा के पास क्यों आ जाता है? डिवोर्स नोटिस के साथ वनराज अनुपमा के पास आया था ये सोचकर कि वो अनुपमा को थोड़ा सा जलील करेगा और अनुपमा चुपचाप होकर उसकी बातों में आ जाएगी और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। लेकिन यहाँ वनराज थोड़े से चुक गए। वनराज के नहले पर अनुपमा ने ऐसा दहला मारा और साथ ही साथ वनराज को ये भी कह दिया है कि अब वनराज की हर हरकत का जवाब अनुपमा कोर्ट में देगी। जिस तरह से वनराज लड़ना चाहता था अब उसी तरीके का जवाब अनुपमा से भी मिलेगा। अनुपमा का यह आत्मसम्मान देखकर वनराज के साथ साथ पूरे घर वाले चौंक कर रह गए हैं। लेकिन वनराज की ये हरकत समर को भी नहीं पसंद आई, इसीलिए समर वनराज के घर पहुंच गया हल्ला मचाने के लिए। और इस बात का फायदा उठाया काव्या ने और शुरू कर दिया वनराज को भड़काना। अपने बेटे की बदतमीजी का जवाब दो, आज उसने अपनी सारी हदें पार कर दी है। काव्या उसको इंस्टिगेट करती है कि मारो, तुम क्या करोगे, करो मेरे ऊपर हाथ उठाओगे, मारो मारो, तो वो पीछे हटता जाता है और फिर फाइनली वो एक लैंप टेबल उठा के फेंक देता है और कहता है कि मैं गुस्से में ऐसी हरकत नहीं करूँगा क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। तो वो उस लेवल तक जाता ही नहीं है, हालाँकि वो बहुत गुस्सा है, बहुत अपसेट है, अपने बाप से बहुत नाराज़ है, और ऑब्वियसली एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा होते देखेगा तो बाप से नाराज़ हो गई। अब देखना होगा कि काव्या कब तक वनराज को अपने घर से दूर रख पाती है या अनुपमा की जीत देखकर वनराज कमजोर पड़ के फिर से अनुपमा के पास आता है।
मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।